है गाइस, वेलकम बैक टू आर गेमिंग चैनल। वापस से तुम लोग का स्वागत है पोकेमोन क्वेजल में। और एक ग्रुकी दिख रहा है भाई, एक ग्रुकी। चलो भाई, इस ग्रुकी को कैच किया जाएगा यार अपन लोग को। और चलो यार, गेम का शुरुआत अच्छा से ही हुआ है एक ग्रुकी के साथ में। तो इसके ऊपर एम्बर से बस फेंटना। अरे यार, फेंट हो गया। बै हमको चाहिए था कि, अरे बताओ, यहाँ हम सोच रहे थे कि बैटल किया नहीं जाएगा, यहाँ पे बैटल ही स्टार्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। इसके पास बग कैचर है तो कैटपी है। कैटपी से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। कैटपी के ऊपर करेंगे भाई एम्बर। एम्बर से कैटपी गई, सॉरी गया, मेल था। और सेकंड में है भाई इसका पोकेमोन, क्या नाम है यार इसका, वीडल। चल भाई, वीडल को भी पैक अटैक से हटा नहीं देंगे। चलो ये भी गया। अब भाई एक ग्रुकी दिखा, वाओ, इसको अब कैच किया जाएगा यार। मानते जेन 8 का पोकेमोन को हम रखेंगे, माने कि हम किसी भी स्टार्टर पोकेमोन को अपना टीम में नहीं रखेंगे। जेन 9 का पोकेमोन है बस, वही ठीक है। अदर जेन स्टार्टर पोकेमोन हमको नहीं रखना है अपना टीम में, हमको नॉर्मल पोकेमोन को ताकतवर बनाना है इसलिए। चल भाई, अब क्या नाम है इसको, टैकल। अब इसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे भाई, कहे कि बहुत देर से गाउल कर रहा है तो मेरा अटैक भी गिरा दिया है। बस ये एक पोकेबॉल में आ जाए ना तो बेस्ट रहेगा। चलो भाई, चलो, फिंगर क्रॉस है, हो जाओ, हो गया। चलो भाई, सही है। और हमको चाहिए एक हेराक्रॉस। भाई यार, दो खास पोकेमोन जो हमको चाहिए थे वो सामने से दिख गए। चल सही है, हेराक्रॉस ब्रो, तुमको तो कैच करेंगे यार हम, जो रहे सीधा सीधी बात है जो। एम्बर कम ऑन, ये हुई ना बात, ये सरवाइव कर गया एम्बर को, इसलिए हमको चाहिए एक हेराक्रॉस। क्योंकि आगे वाला जिम एक रॉक टाइप जिम है, हेराक्रॉस हो जाएगा फाइटिंग प्लस बग, तो थोड़ा सा तो एडवांटेज रहेगा हमको फाइटिंग पोकेमोन रखने का अपने टीम में। और कैच भी हो गया यार। चलो अब हम लोग को जाना चाहिए अपना जर्नी का स्टार्टिंग में। अब पैरालाइज हील्ड हमको एक मिल गया। पैरालाइज हील से ज़्यादा हमको पॉइजन ये सब मिल जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो भी रहे, ये कौन है भाई, नॉट इन ए बैड वन। हेलो, हैव यू सीन एनी सुमरश, या आई लव इट। ये बंदा मेरा काफ़ी समय से पीछा कर रहा है, प्लीज़ इसे बचा लो। भाई यार, एक पत्ती के पीछे आके छुपोगे। चलो कोई बात नहीं, तुमको ऐसे बताएं बचा लेंगे हम टीम एक्वा का मेंबर से। और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया है कि टीम एक्वा का मेंबर है, मेरे रास्ते में आए तो ख़त्म कर देंगे। ये सबका सेम डायलॉग रहता है। चलो कोई बात नहीं, इसके पास तो यार जो जेम्स के पास पोकेमोन था अलोनन में, वही है। चल सही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। यार ये पॉइजन पोकेमोन पे भूल गए थे हम, हमको लगा कि वाटर टाइप पोकेमोन टैकल करके हराएंगे, लेकिन नहीं। तो टैकल ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, कोई बात नहीं। हम लोग को करना पड़ेगा अब कोई नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट पोकेमोन, क्योंकि भाई लंका लगा दिया यार। नीडोरान यहाँ पे सही रहा, नीडोरान को ये पॉइजन नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ा चीज़ है। तो नीडोरान का पैक अटैक भी ठीक रहना चाहिए भाई, एक। और कमॉन, हमको लगता है दो पैक अटैक लगेगा। हाँ, जैसा कल सोचे थे, एक और। चल भाई, दो पैक अटैक से ये हार गया भाई, और ये जा रहा है टीम एक्वा का मेंबर। चल भाई, जो रहे ये तो भाग गया। अब ये चुराना क्या था, एक ग्रेट बॉल। ओ तो तुम यानी कि इसको बचाने के लिए रस्ट बरो सिटी से जा रहे थे। ओ ठीक है भाई, हम लोग को भी तो जैसे वहीं जाना है, क्योंकि वहाँ रॉक्सी है, हम लोग को बैटल करना है रॉक्सी से। और एक और बग कैचर बताओ। चलिए यार कोई बात नहीं, इसको भी हराएंगे यार। इसके पास कौन सा पोकेमोन है, एक का ही बैटल लिखाएंगे यहाँ पे। इसके पास दो पोकेमोन है, और कैराटेरा ब्लास्ट जो भी रहे यार, इसको हराने में टाइम भी नहीं लगा। एक एम्बर और एक पोकेबॉल, इसमें है क्या बाय द वे, एक ईथर। चल भाई ठीक है, यहाँ से बचते हुए निकल गया एक।
कॉम्बी से, और भाई रूट 104 में आ गए हम लोग। और ये क्या हम लोग को बता रहा था भाई, एक स्वीट एप्रिकॉन यानी कि अच्छा, मैंने कि ये यार इसको जो भी कहा जाता है ना, मैंने कि एवोल्यूशन के बारे में बताया था नॉर्मली। और यहाँ पे ऑरन बेरी है यार, दो दो ऑरन बेरी अपना निकाल लिए। चलो भाई ये वाला घर हम लोग को पता है ऐसे प्लांटिंग के बारे में पता था, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे प्लांट का केयर किया जाता है, तो वैसे ही चीज़ है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ कहेंगे यार हम तुम लोग को, वीडियो को जब इतना दूर तक देख रहे हो तो यार चाहेंगे कि लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। बिना लाइक से सब्सक्राइब किए पाप भी लग सकता है तुम लोग को, समझे, पाप तक लग सकता है। और यहाँ पे हम लोग को ये दे दी वेलमर प्लेन, वेलमर प्लेन जो भी होता है ये पता नहीं कुछ भी होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे देखना है भाई, ये भी एक ऑरन बेरी हम लोग को दे दी, चल अच्छा है ऑरन बेरी। और हमको यहाँ से भाई निकलना है, जो बात है सीधा सीधी, और इस साइड चलना है। ओ एक पोकेमोन लगता है एनकाउंटर हो गया, वो भी एक साइनी लेडीबा। चल भाई लेडीबा ऐसे देखा जाए तो लेडीबा भी बग प्लस फाइटिंग होती है। नहीं इसको नहीं कैच करेंगे, लेकिन हमको हेराक्रॉस है अपने पास, हेराक्रॉस अच्छा भी है। और एक टॉर्चिक भी दिख रहा है भाई अपेयर होकर के, ओ शाइनी स्पिनर रैक, जो भी रहे हमको लेकिन चाहिए नहीं था। अब यहाँ पे ओ ये बंदा भी देख लिया बैटल करने के लिए, एक्सेप्ट योर चैलेंज। भाई हम चैलेंज किए नहीं थे ऐसे बता दे तो, हम तो बस गुजर रहे थे जो तुमको देख लिया। इसके पास भाई गैलेरियन म्याउट है जो स्टील टाइप होता है, तो इसके ऊपर अपना लावा ही काफ़ी है, लावा का एम्बर। और ये बेचारा गया म्याउट, चल सही है। अब यहाँ से बचते हुए भी निकल गया ऊपर से, यहाँ डबल बैटल हमको लगता है अब सही में डबल बैटल। और भाई देखा जाए बच्ची लोग के पास कौन सा पोकेमोन है, बच्ची लोग के पास है एक कॉटनी और एक पेटली। भाई यार कॉटनी लेकिन जो बोला जाए ना, मेरा तो फेवरेट पोकेमोन में से एक आता है, क्योंकि इसको जब भी देखो ना तो एकदम लगता है क्लाउड, इसलिए एम्बर। कॉटनी तो गई, और उसके बाद ये है ग्रास टाइप पोकेमोन, ये भी काफ़ी क्यूट लगती है भाई, सीधा सीधी जो बात है। इसको पैक अटैक ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, पड़ा है पूरा ही डैमेज पड़ा है, लेकिन हारा नहीं ना। टैकल और डबल किक, टैकल से ही हार गया बेचारी। चल भाई अब भाई यहाँ ओ टोडो बेरी, ये कौन सा है, लेपा बेरी, लीपा या लेपा जो भी पढ़ लो, जो भी प्रनाउंस कर सकते हो कर लो, लेकिन यही था बेरी। और आज का एपिसोड या तुम लोग को अच्छा लगा तो चाहेंगे क्या लाइक कर देना, और बिना लाइक सब्सक्राइब किए पाप भी लग सकता है तुम लोग को। तो वीडियो को जब पूरा देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। रस्ट पर सिटी में आ गए भाई हम लोग, यहाँ पे से इधर पोकेमोन सेंटर चलते क्योंकि हील्ड करवा ले और गेम को यहीं सेव कर दे। चल भाई यहाँ से बाहर निकले, हम गेम को यहाँ सेव कर देते हैं। तो मिलते हैं तुम लोग से सीधा अगला वीडियो में, तो सी यू, टाटा, सायो नारा।